नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद से पश्चिम बंगाल उभर ही रहा था कि अभी एक और मामला रेप का सामने आ गया है। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था कितने निचले स्तर पर पहुंच गया है। और कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी का बंगाल अर्थव्यवस्था के मामले में भी खस्ता हो गया है। इतना ही नहीं, राज्य में भ्रष्टाचार भी चरम पर है, जिससे बंगाल हर क्षेत्र में हर मायने में गर्त में जा रहा है। बात सबसे पहले कानून व्यवस्था की ही कर लेते हैं। बंगाल में पार्टियां बदली, सरकार बदली, सियासी चेहरे बदले, पुलिस तंत्र भी बदलता गया, लेकिन जो नहीं बदला वो है कानून व्यवस्था की बदतर हालत। समय के साथ पुलिस डिस्ट्रिक्ट के गठन हुए, कमिश्नरेट बने, दर्जनों थाने खुले, विभिन्न पुलिस प्रकोष्ठ के निर्माण हुए, ढेरों पद सृजित हुए, पुलिस कर्मियों को अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस किया गया, फिर भी कानून व्यवस्था की स्थिति जस की तस है। वाम मोर्चा के 34 वर्षों के शासनकाल से लेकर वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के 13 वर्षों के राज तक बंगाल में कानून व्यवस्था की बदहाली देखने को मिल रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में करीब 2 महीने पहले ही आजीकर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया था, जिसने देश के हर इंसान को झकझोर कर रख दिया था। अभी उस बेटी को न्याय मिलना बाकी ही था कि फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक 10 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप करने के बाद हत्या कर दी गई। अब इस पर सवाल उठना तो लाजमी है, अगर वक्त पर कार्रवाई कर दी जाती तो आज बंगाल की एक और बेटी की मौत नहीं हुई होती। अब जरूरत है कि ममता सरकार को इस जघन्य अपराध के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि देश को शर्मसार करने वाली ये कोई पहली घटना नहीं है। कई रिपोर्ट के मुताबिक ममता सरकार के 13 साल के कार्यकाल में करीब 10 ऐसे ही बड़े रेप और हत्या के मामले सामने आए हैं, जिसने दुनिया भर के मीडिया का ध्यान खींचा है। इनमें सबसे टॉप पर है पार्क स्ट्रीट बलात्कार मामला, जो 2012 में घटित हुआ था। 2013 में कामदुनी सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड हुआ था। 2013 में ही मध्यम ग्राम बलात्कार मामला भी बंगाल से सामने आया था। फिर 2014 में जादवपुर विश्वविद्यालय छेड़छाड़ मामला सामने आया। 2015 में गंगनापुर बलात्कार और हत्या मामला हुआ। 2017 में बामन घाटा बलात्कार मामला प्रकाश में आया। फिर 2020 में संदेश खाली बलात्कार मामला, 2022 में हंस खाली बलात्कार और हत्या मामला, 2023 में डायमंड हार्बर गैंग रेप केस और अब 2024 में आजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस सामने आया। अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि बंगाल में हर साल कोई ना कोई बड़ा रेप कांड होता ही है। इससे सीधे सवाल प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था पर उठती है। अब बात अर्थव्यवस्था की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट बताती है कि आजादी के समय भारत की जीडीपी में 10.5% का हिस्सा रखने वाले बंगाल का फिलहाल 2023-24 में सिर्फ 5.6% हिस्सा रह गया है। इस आंकड़े के साथ अब ये देश के सबसे तेजी से गिरते हुए राज्यों में से एक हो गया है। ये इशारा है देश के विकास में प्रदेश की कम होती भागीदारी का। इसका और गहरा अर्थ ये भी है कि राज्य में उत्पादन भले ही बढ़ा हो, लेकिन ये अन्य राज्यों की तुलना में बहुत धीमा रहा है। और इन सब का सबसे बड़ा कारण है ममता दीदी, क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति से फुर्सत ही नहीं है। वो बस अपनी खराब छवि को चमकाने में लगी हुई है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय भी इसी तरह गिरावट का शिकार हुई है। 1960 से 61 में पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 127.5% थी, यानी यहाँ के लोग औसत भारतीय से 27.5% अधिक कमा रहे थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल का औसत नागरिक अब राष्ट्रीय औसत से 16.3% कम कमा रहा है। कानून व्यवस्था की बात हो गई, अर्थव्यवस्था की बात हो गई, लेकिन बंगाल में सिर्फ यही दो क्षेत्र नहीं है जो निचले स्तर पर है। ममता सरकार पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। और प्रदेश में भ्रष्टाचार तो अपने चरम पर है। ईडी ने प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा किया था, जिसमें ममता सरकार के 2 मंत्री संलिप्त हैं। राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी और उनकी बेटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। इससे पहले ममता सरकार में कोयला घोटाला, पशु तस्करी घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला,
रोज वैली घोटाला हुआ है। ममता बनर्जी सरकार ने लगता है कि घोटालों का बंगाल मॉडल बना दिया है। एक बात तो साफ है कि ममता दीदी से ना तो प्रदेश में कानून व्यवस्था संभल रही है और ना ही राज्य की आर्थिक स्थिति में वो कोई सुधार कर पा रही है, और तो और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। ऐसे में पश्चिम बंगाल किस दिशा में जा रहा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।